या नरेंद्र मोदी, कौन जीतता है इस बार का चुनाव दिखाएंगे आपको दो दिन बाद सबसे तेज नतीजे टाइम्स नाम नवभारत पर, और आज शाम आपको दिखाएंगे सबसे सटीक एग्जिट पोल शाम 5 बजे से लगातार। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर जानिए, आखिरी दौर में 57 सीटों पर बंपर वोटिंग जारी है। सुबह लोग मतदान के लिए निकले, पहले 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में करीब 13% वोटिंग हुई। बंगाल की बात करें तो 9 बजे तक 12.63% वोटिंग हुई, बिहार में 10.58%, तो हिमाचल में 14.35% मतदान हुआ है। यानी कि 5वें फेज के बाद से जो वोटिंग ने रफ्तार पकड़ी है, ये 7वें फेज में भी इसका एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। कम से कम शुरुआती कुछ घंटे में वोटर्स अपने घरों से निकले और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। हिमाचल प्रदेश में 14% से ज्यादा वोटिंग, बिहार में 10% से ज्यादा वोटिंग, बंगाल में सुबह 9 बजे तक 12%, और इसके अलावा यूपी की बात करें यहां पर भी तकरीबन 13% वोटिंग शुरुआत के 2 घंटे में हुई है। अब मैं आपको ये जो 6 तस्वीरें दिखा रहा हूं, इसमें आप देख रहे होंगे कि कैसे वीवीआईपीज अपने संबंधित पोलिंग बूथ पर पहुंचे और उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 7वें चरण में बहुत सारी वीआईपी सीटें हैं, कई सारे वीआईपी दिग्गजों की किस्मत दांव पर है, और इन वीआईपीज ने सुबह सुबह मतदान किया और वोटर्स के लिए एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश की कि अगर ये वीवीआईपीज अपने घरों से निकल सकते हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अपने सबसे बड़े अधिकार के लिए आम जनता को भी अपने घरों से निकलना चाहिए। शुरुआत के कुछ घंटों में अच्छे वोटिंग परसेंट देखने को मिल रहा है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साधा है। आपको बता दें, कांग्रेस के एग्जिट पोल बायकॉट करने पर जेपी नड्डा ने टाइम्स नाम नवभारत पर बातचीत की और बयान दिया। कांग्रेस ने पहले ही अपनी हार को स्वीकार कर लिया, जेपी नड्डा ये बात कह रहे हैं। जेपी नड्डा कह रहे हैं कांग्रेस कभी रेस में थी ही नहीं। कई बार कई मौकों पर बीजेपी यह भी कह चुकी है कि पिछली बार का जो कांग्रेस का रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को भी कांग्रेस पार्टी हार में तोड़ दी। हालांकि नतीजे 4 जून को बिल्कुल साफ हो जाएंगे, जनता का मूड क्या था, जनता ने किसे चुना है, जो ईवीएम में कैद है वो 4 जून को बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कॉन्फिडेंस, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले ही हार स्वीकार कर चुकी है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने आज जो तमाम चैनल्स की तरफ से एग्जिट पोल जारी किए जाएंगे, इस पर अपने प्रवक्ताओं को भेजने से इनकार कर दिया, तो इस पर भी जेपी नड्डा ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी है। कुछ देर के बाद में एग्जिट पोल आ जाएंगे, और एग्जिट पोल को लेकर जो है विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि हम इसका बायकॉट करते हैं, किसी भी चैनल में कांग्रेस पार्टी का कोई भी पैनलिस्ट नहीं जाएगा। देखिए ना, ये तो अपने आप बताता है कि चुनाव के नतीजे आने से पहले ही हार स्वीकार कर ली है, और उनको ये दिख गया है कि उनके हाथ से बाजी निकल चुकी है। वैसे तो कभी थी ही नहीं बाजी, लेकिन वो उन्होंने अपने हार को स्वीकार कर लिया है। और इतने दिन तक वो चुनाव में झूठ को प्रचारित करते रहे, झूठ के सहारे चले रहे, अब उनको मालूम है सच्चाई आने वाली है, और सच्चाई से बचने का तरीका क्या है, वो एग्जिट पोल को बॉयकॉट करो, क्योंकि वो सच्चाई को फेस नहीं कर सकेंगे। हमने तो सारे एग्जिट पोल हमारे पक्ष में आते रहे, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हमने कभी भी बॉयकॉट नहीं किया। जो होता है वो हम बताते हैं, और जो हमारा पक्ष होता है वो बताते हैं। और आज मंडी की सीट पर भी वोटिंग है। कंगना रनौत वोट डालने के लिए अपने संबंधित पोलिंग बूथ पर पहुंची। कंगना ने लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया और फिर मतदान किया। वहां पर कैसी तस्वीरें थी, पूनम शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं कंगना रनौत जो है लाइन में ये खड़े हुए, जो लाइन बनी है वहाँ पे लाइन में ये खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह जो है कंगना रनौत लाइन में अभी हैं और वोटर से भी बातचीत कर रहे हैं, और अभी थोड़ी ही देर में जब इनकी टर्न आएगी तो ये अपनी वोट कास्ट करेंगी। और आप देख सकते हैं किस तरह, और इनकी माता जी भी हैं साथ में। आप बोलेंगे कुछ, क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं बोल सकते। कंगना रनौत की मदर हमारे साथ है, तो आइए जानते हैं क्या कहना है। आप क्या कहेंगे आज की अपील, क्या कहेंगी आज? आज वोटिंग का दिन है, आपकी बेटी पहुंच गई है, और बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी क्या कहेंगे, कोई अपील आप करना चाहें? कुछ नहीं, लोग अपने आप समझकार है। मंडी की सीट से इस बार कंगना रनौत बीजेपी की उम्मीदवार है। आखिरी दौर में पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी वोटिंग हो रही है। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ के गृहनगर गोरखपुर में भी लोग मतदान कर रहे हैं।
अब गोरखपुर का मुकाबला इस बार बहुत इंटरेस्टिंग है। इस बार रवि किशन जो कि भोजपुरी अभिनेता हैं, वो चुनावी मैदान में, जो कि पिछली बार का चुनाव जीत चुके हैं, उन्हें टक्कर देनी है भोजपुरी अभिनेत्री काजल निशा। इसके अलावा मुख्तार की मौत के बाद पहली बार गाजीपुर में जनता वोट डाल रही और बीजेपी बार बार इस बात को प्रोजेक्ट करती रही कि माफिया राज के खात्मे के बाद ये सीट उनके पाले में जाएगी। किस तरह से मतदान होता है, जनता का रुझान क्या होता है, ये देखने वाली बात है। हमारे साथ रविकांत जुड़े हुए हैं गाजीपुर की सीट से। रविकांत, अभी तक वोटर्स का कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है गाजीपुर की सीट पर? बीजेपी बार बार कह रही थी माफिया राज के खात्मे के बाद जनता काफी उत्साहित है वोट देने के लिए, क्या वो देखने को मिल रहा है इस वक्त पोलिंग बूथ पर? अनुराग, इस वक्त जम्मू कश्मीर के जो LG हैं मनोज सिन्हा, वो अपने पैतृकदारी निभाई है। मतदाताओं से मेरा निवेदन हो कि अधिक से अधिक मतदान करें। गर्मी बहुत है सर, लेकिन फिर भी लोगों का रुझान दिख रहा है। लोगों से अपील करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे मतदाताओं से, एक कॉमन बाइक करो, क्योंकि गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, इसमें आराम से। लोकतंत्र का महापर्व है, सबको अपने मतदान का अधिकार है और सबको अपना मतदान देना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। मैं श्रीनगर से आकर के इस महापर्व में भाग लिया हूं और सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह होगा कि अधिक से। ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को आप सुन रहे थे, अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बीजेपी की ओर से इसी सीट से वो सांसद भी रह चुके हैं और वोट डालने के लिए पहुंचे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज पीएम नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी में भी वोटिंग हो रही है, वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं? क्योंकि बहुत दिलचस्प मुकाबला है, पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर कैंपेनिंग की, विपक्ष कह रहा था कि सिर्फ एक ही सीट पर फाइट है, जनता के भी मन में कुछ फाइट वाली चीज है क्या? अभी वोटर से बात करते हुए क्या लग रहा है आपको आशुतोष? बिल्कुल अनुराग, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर अपने संसदीय क्षेत्र में जमकर वोटिंग की थी, रोड शो किया था, जनसभा की थी, खुद जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह ने यहाँ पर डेरा डाला था। और अब जबकि वो कन्याकुमारी में इस वक्त साधना कर रहे हैं और उनकी शायद साधना और तप का ही नतीजा है कि आज वाराणसी में मौसम मेहरबान हुआ है और आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो वाराणसी के मतदाता हैं वो झूम कर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए इस वक्त हम नेशनल इंटर कॉलेज के पास मौजूद हैं और यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर आप देखिए कि एक तरफ महिलाओं की लाइन लगी है और दूसरी तरफ पुरुषों की लाइन लगी है और ये लाइन छोटी मोटी नहीं है बल्कि एक लंबी लाइन है यहाँ पर। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से वाराणसी में मतदाताओं के बीच में इस चुनाव को लेकर उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं भी जुड़ी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि मौसम बहुत मेहरबान हुआ है, क्या कहेंगी आप? तो अपोजिट बोल रहे हैं, मेहरबान है। भीषण गर्मी जो थी, थोड़ा सा बादल हुआ है, बादल, लेकिन आप लोग एक फैन का व्यवस्था कर देते तो काफी बेहतर रहता। हम किन मुद्दों के आधार पर आज आप वोट डालने जा रही हैं? किन मुद्दों के आधार पे? जो मुद्दा चल रहा है। कौन से मुद्दे हैं आपके? प्रधानमंत्री का चुनाव है ना जी। बस उसी के लिए। ट्रिपल तलाक का मुद्दा है, बहुत जोर शोर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप लोग के लिए उठाया था, उसका कितना असर खासतौर से आप जो मुस्लिम महिलाएं हैं उसमें देखने को मिल रहा है? मुस्लिम महिलाएं देखिए कानून को तो लेके नहीं चलती, जो मुस्लिम लॉ है उसके जरिए हम लोग अपना हर चीज को फॉलो करते हैं। तो मोदी जी तो खैर बहुत कुछ कहते रहते हैं, अपनी मन की बात कहती, हम लोग की मन की बात तो सुनते नहीं है, आगे बस ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे। जो कुछ जो योजनाएं थी उनका लाभ मिला कि नहीं आप लोग को? मिला कहाँ योजनाओं का लाभ मिला है, बस वो पर्ची पे ही है। आवास कार्ड हम लोग कई बार किए हैं तो फिलहाल किसी का आया किसी का नहीं आया, और उसका भी बेनिफिट बहुत ज्यादा नहीं मिला। कुछ अन्य महिलाएं हम उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किन मुद्दों के आधार पे आप लोग वोट करने पहुंची हैं, सरकार की योजनाओं से आप लोग सहमत थी नहीं थी, आप लोग की घरों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, या फिर आप लोग बदलाव चाहते हैं? बदलाव ये चाहते हैं कि बहुत महंगाई है, थोड़ा महंगाई कम हो जाए और विकास हो जाए। विकास। ट्रिपल तलाक का मुद्दा कितना आप लोग के लिए अहम था? अहम था सर, अहम था। अहम था जी। ट्रिपल तलाक का जो मसला था वो आना चाहिए था, ट्रिपल तलाक से मुक्ति मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल आशुतोष, सबके अपने मुद्दे हैं और अपने मुद्दों के साथ लोग वोट डालने पहुंचे। ये सीट इसलिए खास हो जाती है, अजय राय बहुत लंबे वक्त से कोशिश कर रहे हैं,
कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी जब यहां पर चुनाव में उतरे हैं तब उनके लिए बहुत टफ मुकाबला हो गया है। ये तीसरा मौका है जब पीएम नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। आपका रुख एक बार फिर से करेंगे, विनोद का रुख कर लेते हैं, माफ कीजिएगा गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, ये सीट जैसा कि हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे बहुत इंटरेस्टिंग है, दो भोजपुरी अभिनेत्रियों के बीच में मुकाबला, और 2018 में जब बीजेपी हारी थी उपचुनाव तो वहां पर कोई निषाद प्रत्याशी ही थे जिन्होंने बीजेपी को हराया था, तो इस बार का मुकाबला क्या उस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग होता हुआ दिख रहा है, या फिर योगी आदित्यनाथ का जो वर्चस्व है वो कायम रह सकता है, वोटर्स का मूड कैसा है? बड़ी बात यही है कि जो गोरखपुर की सीट है जो योगी आदित्यनाथ की सीट के नाम से ही जानी जाती है, गोरखपीठ की सीट के नाम से ही जानी जाती है, कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, 2018 जिसका जिक्र कर रहे हैं उपचुनाव में भले ही यहां पे उस उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली हो, लेकिन 2019 में रवि किशन को बीजेपी गोरखपुर की जनता ने एक बार चुनकर मौका दिया था। अब दूसरी बार वो मैदान में है और दावा ये भी कर रहे हैं कि इस बार जीत के अंत तक बढ़ाएंगे। आपको एक बार तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से उत्साह है आज लोग वोटर्स में, और सुबह से लेकर 9 बजे तक जो है करीब 13% वोटिंग हुई है, तो ये दिखाता है कि लोगों में इस अपने इस मताधिकार को लेकर उत्साह है। लोग जो वोटर वोटिंग सेंटर है वहाँ बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, कुछ लोगों से बात भी करते हैं। भैया आप खड़े हैं लाइन में वोट देने के लिए, कुछ सोचा है, कुछ मुद्दा है यहाँ पे, ये तो योगी जी का शहर है। जी हाँ। तो क्या सोचा आपने? बात कुछ नहीं, कुछ सोचा है आपने भैया, कुछ आप लोग के पास कुछ मुद्दा है, कुछ सोच के आए हैं कि आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? गोरखपुर है ये, गोरख योगी आदित्यनाथ का शहर ही है, विकास कर रहे हैं, बहुत चेंजेस आए गोरखपुर में, इस बार उन्हीं को दिलाना है, फिर डेवलपमेंट हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ महिलाएं भी बड़ी हैं, इनसे ही बात करते हैं। ये जो है ये योगी जी का अपना क्षेत्र है, यहाँ पे आप लोग खड़ी है वोटिंग करने के लिए, कुछ काम हुआ है, कुछ विकास हुआ है यहाँ पे? बहुत हुआ है। तो क्या सोचा आप इस बार? बस उन्हीं को विकास के मुद्दे पर लोग वोट डालने पहुंचे हैं और क्या नतीजा होता है ये 4 तारीख को पता चलेगा। एक बार फिर से विनोद आपका रुख करें, पटना साहिब से बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद सुबह सुबह वोटिंग करने पहुंच गए, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने मतदान किया, विपक्ष के जीत के दावे पर वो तंज कसते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि एनडी अलायंस दिन में सपने देख रहा है अगर जीत की बात कह रहा है, देश की जनता स्थायी सरकार चाहती है, रविशंकर प्रसाद ने यह बात कही। ये देखिए तस्वीरें, पोलिंग बूथ पर जब वो पहुंचे जब अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे, ये उस वक्त की तस्वीरें, बाद में उन्होंने वो शाही लगी उंगली भी दिखाई, उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद है। रविशंकर प्रसाद ने अपना वोट कास्ट कर दिया है और उसके बाद हमारे साथ है मौजूद, सर क्या कहेंगे, मेहनत तो आपने कर ली, आज परीक्षा की घड़ी है। देखिए हम इसको परीक्षा नहीं मानते, ये हम मानते हैं कि सौभाग्य है, देश का लोकतंत्र जीवंत है, देश का लोकतंत्र बहुत मजबूती से खड़ा है, और मैं सुबह से मालूम कर रहा हूँ इतनी बड़ी संख्या में लोग आके वोट दे रहे हैं, और आज तो भगवान ने भी थोड़ी कृपा की है, अच्छी बात है। दावे विपक्ष के तरफ से भी है, 400 पार 300 पार के नारे लगाए जा रहे हैं उधर से। अच्छा, दिन में बंदिश कहाँ है, सपने देखने पर कहाँ रोक है, कोई रोक तो नहीं है ना, तो वो मीटिंग कर रहे हैं, करने दीजिए। देखिए देश की जनता एक स्थायी सरकार चाहती है, देश की जनता एक मजबूत सरकार चाहती है, देश की जनता ये जानना चाहती है आपके आर्थिक विकास का एजेंडा क्या है। आज भी देखिए भारत का ग्रोथ रेट 8.2% दिखाया गया है, दुनिया भारत की ओर दिख रही है। तो रविशंकर प्रसाद जीत के दावे कर रहे थे, हालांकि हर राजनीतिक पार्टी इस चुनाव में जीत का ही दावा कर रही है। हमारे साथ साकेत जुड़ गए हैं पटना से, पटना में दो सीटें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, एक तो पाटलिपुत्र और दूसरी पटना साहिब, लेकिन रविशंकर प्रसाद जो पटना साहिब है वहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अब वीवीआईपी सीट है साकेत, क्या वीवीआईपी सीट पर जनता का रुझान भी वैसे ही देखने को मिल रहा है? रविशंकर प्रसाद कह रहे थे मौसम अच्छा है, मौसम मेहरबान है, तो क्या उसका भी असर देखने को मिल रहा है वोटिंग पर? देखिए बिल्कुल, अभी तक 10% के आसपास वोटिंग हुई है, 9 बजे तक का जो आंकड़ा चुनाव आयोग ने दिया है, तो यानी कि परसेंटेज जो है वो ठीक ठाक अभी चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे गर्मी यहाँ पर बढ़ेगी बूथों पर लोगों की कमी दिखेगी। यहाँ भी आप देखिए एक बूथ पर हम मौजूद हैं और यहीं पर तेजस्वी यादव अभी थोड़ी देर पहले आकर, उससे पहले लालू यादव ने यहाँ पर वोट किया है, तेजस्वी यादव यहाँ से वोट करके गए हैं। और जैसा कि आपने पाटली जो पटना साहिब की सीट है उसके बारे में आपने जिक्र किया, तो ये बीजेपी का गढ़ रहा है, ये सीट हमेशा से बीजेपी के पाले में रही है, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से जब बीजेपी में थे तो वो चुनाव जीतते थे, उसके बाद 2 बार से रविशंकर प्रसाद वहां से चुनाव जीते, और एक बार फिर से रविशंकर प्रसाद इस सीट से अपना भाग्य आजमा रहे हैं।
और कहा जाता है कि यहाँ पर एक कहावत भी है कि अगर बीजेपी का टिकट लेकर कोई सो भी जाए घर में तो वो जीत जाएगा यहाँ से, तो इस तरह का इस सीट पर माहौल रहता है। लेकिन चूंकि लोकसभा का चुनाव है, लोकतंत्र है, तो ऐसे में विपक्ष के भी दावे जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए कई वोटर्स हैं, एक बार हम लोगों से भी पूछते हैं, लाइन में लोग लगे हुए हैं, हम बात करते हैं किस तरह से। मैम, वोट देने आई हैं आप लोग, क्या कुछ मुद्दे हैं महिलाओं के लिए? हम कुछ नहीं बोल सकते। आप बताइए किन मुद्दों पर आप लोग वोट देने आए हैं? किन मुद्दों पर दिया जाता है, क्या चाहिए पटना में, क्या चाहते हैं कि पाटलिपुत्र से आप लोग वोटर हैं? पटना से अच्छा होना चाहिए और क्या। बिल्कुल साकेत, चलिए वोट डालने आए हैं, मुद्दे उनके जहन में होंगे, वोट डालने आए, ये सबसे बड़ी बात है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपका रुख करते रहेंगे और वोटिंग की एक एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। यहां रुक रहा है एक छोटे